यहाँ दोस्तों आपने सही पढ़ा, कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को अब 15,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। यह योगी सरकार ने ये एक अनाउंसमेंट किया है। आइए जान लेते हैं क्या अनाउंसमेंट है और ये कन्या सुमंगला योजना क्या है। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे अगर आपकी बेटियाँ हैं तो आप इस योजना का लाभ किस तरह से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महिला कल्याण विभाग ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को अब 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। करी में विभाग ने शुरुआत में 100 दिनों में निराश्रित महिलाओं के प्रथम तिमाही की पेंशन राशि 930 करोड़ रुपये जारी करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा शाहजहाँपुर में एक नया राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। इस योजना के नए लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 15 दिन के भीतर भीतर स्वावलंबन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। आइए बता दें आपको कन्या सुमंगला योजना है क्या। इस योजना के तहत लाभार्थी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म फिल करना होता है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उद्देश्य इसका जो है उत्तर प्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। इसके लिए बजट 1200 करोड़ रुपये का रखा गया है 2022 की हम बता रहे हैं ये जानकारी। और ये कन्या सुमंगला योजना के तहत जो पैसा है वो 6 किस्तों में आता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके परिवार में अधिकतम एक परिवार की 2 लड़कियां ही लाभ उठा सकती हैं। उस कैंडिडेट की जो है उसके पिता की कुल आय वार्षिक में 3 लाख या इससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो, 3 लाख के अंदर ही हो। जुड़वा बेटियां, जैसा कि हमने बता दिया, अगर जुड़िया बेटियां पैदा हुई हैं, 2 बेटियां वो और 1 अन्य मिलकर 3 बेटियों का लाभ उठाया जा सकता है। गोद ली गई बेटी के केस में अगर किसी ने अनाथ बच्ची को गोद लिया हुआ है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है और इसके साथ परिवार की 2 और लड़कियां भी कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकती हैं। इस प्रकार उस परिवार में 4 लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जी हाँ, अगर आपके परिवार में ऑलरेडी 2 लड़कियां पहले से ही हैं और आपने 2 अन्य लड़कियों को भी गोद लिया है तो इस प्रकार से आप 4 लड़कियों को कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके परिवार में केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए, यानी कम्प्लीट बच्चे, यानी लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों के मिलाकर 2 ही बच्चे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके परिवार में 1 लड़की है और 3 लड़के हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कुल मिला के आपके पास चाहे 2 बेटियां हो या 1 लड़का 1 लड़की हो तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल, यदि बेटी गोद ली गई है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र, अभिभावक पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इसका आवेदन आप ऑनलाइन तरीके और ऑफलाइन तरीके 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से आवेदन किस तरह से करेंगे उसका फॉर्म हम आपको दे देंगे। अगर किसी अभ्यर्थी को अपना कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन कराना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो वह हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप @mydoubt पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। आइए आपको बता दें कन्या सुमंगला योजना के तहत किस प्रकार से पैसा आता है। यह पैसा 6 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में इसका लाभ जो है कन्याओं का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो तब योजना का लाभ ले सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में उन बालिकाओं को सम्मिलित किया जाएगा जिनका 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो और उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो, मतलब 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्म हो और पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। तीसरी कैटेगरी में उन बालिकाओं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। फोर्थ कैटेगरी में वो बालिकाएँ शामिल होंगी जिन्होंने चालू सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो और पांचवी कैटेगरी में वो बालिकाएं होंगी जिन्होंने चालू सत्र में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। छठी कैटेगरी में वो बालिकाएं आएंगी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। आइए महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं किस तरह से पैसा आपके अकाउंट में आएगा। पहली किस्त कन्या के जन्म के समय यानी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। दूसरी किस्त कन्या के टीकाकरण के लिए दी जाएगी। तीसरी किस्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये की दी जाएगी। कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये की चौथी किस्त दी जाएगी। हाई स्कूल में पास करने पर 7,000 रुपये की पांचवी किस्त आएगी और इंटरमीडिएट पास करने पर 8,000 रुपये की छठी किस्त आएगी। उसके बाद 21 वर्ष पूर्ण हो जाने पर
उस कन्या की शादी के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। आइए इससे जुड़े कुछ आपके सवाल भी ले लेते हैं। बहुत लोगों के सवाल होते हैं, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 2022 के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन को फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से आकर ले सकते हैं। और सभी दस्तावेजों के साथ खंड विकास अधिकारी यानी विकास खंड अधिकारी, SDM, परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी आदि के कार्यालय में जमा करना होगा। सुमंगला योजना का स्टेटस कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, वहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका पैसा कब आएगा? पैसा जैसे कि हमने बता दिया है, जैसा कि 6 श्रेणियों में पैसा आएगा। अगला सवाल आप कर ले लेते हैं, कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कब कर सकते हैं? इस योजना के लिए आवेदन प्रत्येक श्रेणी के लाभ पाने के लिए अलग से भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आवेदक प्रथम श्रेणियों के लाभ हेतु किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाता तो वह सीधे श्रेणी तिथि में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने के समय इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। कई अभ्यर्थियों का यह सवाल होता है कि हमने बीच में जो है लाभ प्राप्त नहीं कर पाया, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है। जी हाँ, अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है तो उससे पहले पहले भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शादी के लिए आपको 2 लाख रुपये की धनराशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये थी कन्या सुमंगला योजना से जुड़ी जानकारी। अगर कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कराना चाहता है तो वह हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से जुड़ सकता है और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी को जानकारी ना हो तो वो इसका लाभ ले सके। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।